बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड थ्री। होप यू ऑल आर वेल। टुडे इज 22nd May 2021 एंड द डे इज सैटरडे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास। ओके बेटा, फर्स्ट ओपन योर मैथ्स प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक थ्री पेज नंबर 242। न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक थ्री पेज नंबर 242। अच्छा, हमने अपनी लास्ट क्लास में अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बुक का पेज नंबर 242 आप ओपन करेंगे, ठीक है सब बच्चे, सही है। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। अक्यूट एंगल क्या होते हैं? एंड अक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? स्मॉलर होता है राइट एंगल से। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंड एंगल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल is greater than a right angle. Obtuse angle जो होता है ना वो greater होता है right angle से। अब हम आ जाते हैं अपनी book की exercise पे, ठीक है। First I'm going to explain you page number 242. सबसे पहले मैं आपको explain करूँगी book का page number 242. Okay. Question number 4. Which of these are right angle? Use your right angle tester or the corners of a ruler to find out. आपने अब बताना है इस वाले question में कि which of these are right angle. सही है, कौन से इसमें यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, ठीक है। एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, एंगल ई है, एंगल एफ है। यहाँ पे 6 एंगल्स हैं आपके सामने बुक के पेज नंबर 242 पे। सही, अब आपने बताना है कि इसमें कौन से वाले एंगल्स राइट एंगल है, ठीक है। अब हम जो है एंगल ए जो है वो राइट एंगल नहीं है, एंगल बी नहीं राइट एंगल नहीं है, जी एंगल सी, एंगल सी जो है ना वो राइट एंगल है। ये आप देख रहे हैं एंगल सी, ये एंगल सी जो है ये राइट एंगल है, क्या है? ये राइट एंगल है। ओके, अब हमारा राइट एंगल कौन सा है दूसरा? एंगल डी नहीं, ये भी राइट एंगल नहीं है, जी एंगल ई। हम आ जाते हैं एंगल ई पे अपने, एंगल ई आप देख रहे हैं ये भी राइट एंगल है, ठीक है। हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हमसे किया गया था ये जो एंगल्स बने हुए हैं ना इसमें कौन सा वाला एंगल राइट एंगल है, तो ये आपके सामने एंगल सी और एंगल ई, ये दोनों क्या है? ये राइट एंगल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एंगल की तरफ, अक्यूट एंगल। हमसे वैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है कि अक्यूट एंगल कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, तो फिर भी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एंगल ए जो है ना वो राइट एंगल से स्मॉलर है, ठीक है, तो वो क्या है? वो अक्यूट एंगल है, ठीक है। एंगल ए आप देख रहे हैं ना, ये एंगल जो है ये अक्यूट एंगल है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना दूसरा, हमारा अक्यूट एंगल कौन सा है? जी, आप देख रहे हैं ये एंगल, ये भी हमारा राइट एंगल से छोटा है, तो ये क्या है? ये अक्यूट एंगल है, ठीक है। हमारा एंगल ए और एंगल डी, हमारा एंगल ए और एंगल डी, ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे दोनों अक्यूट एंगल है, ठीक है। इसके अलावा हमारा सी एंड ई, ये हमारे दोनों राइट एंगल है। ए एंड डी, ये दोनों हमारे अक्यूट एंगल है। अब हम आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे दोनों एंगल जो है राइट एंगल से छोटे हैं, ठीक। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ पे। जी, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है बी वाला फिगर, आप देखें बी वाला एंगल देखें, ये क्या है? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। इसके अलावा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है एंगल एफ, देख रहे हैं आप, एंगल बी एंड एंगल एफ, ये दोनों हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है। आई होप आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे बार बार कहूंगी मैथ्स ऐसी चीज है जिसको आप लर्न नहीं कर सकते, मैथ्स को प्रैक्टिस की नीड है। डेफिनेशन जितनी भी मैंने आपको कॉपी में कराई है सब आपने लर्न करनी है, बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी है, क्योंकि ये तमाम चीजें आपके एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। सब बच्चे मिलके दुआ किया करें आप लोग भी कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी ये तमाम हालात बेहतर कर दें, और जो लोग इस वक्त जहाँ पे मुश्किल में हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात दूर करे, सही, ये भी दुआ किया करें अल्लाह ताला से। और जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आप डेली बेसिस पे उन्हें मेमोराइज किया करें। देखिए, जब आपके एग्जाम्स होंगे ना आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान होंगी। आप लोग को चाहे थोड़ा थोड़ा मैं काम दे रही हूँ ना, आप उस थोड़े से काम को डेली बेसिस पे लर्न करेंगे ना, जब आप एग्जाम्स के डेज होंगे ना, तो आप यकीन माने आप बहुत ही सुकून में होंगे, आप
आपको कोई ज्यादा हर्डल फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेली डेली आपको काम कराया जाता है ना, उसको आप याद करेंगे ना, उसका मजा बहुत आपको आएगा एग्जाम्स के डेज में। ठीक है, बार बार कहूंगी आपको, यही बात कहती हूँ हमेशा, जो चीज समझ ना आए आप मुझसे कह सकती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूंगी जिस तरीके, जिस आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 243 पे। हाँ, बुक पेज नंबर 243। ठीक है, अच्छा, बुक के पेज नंबर 243 पे है हमारा, लुक एट द एंगल इन द शेप। आपने उस एंगल का जो शेप बना हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको देखें। ठीक है, विच एंगल्स आर राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है, यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले आपने बताना है इस पूरे जो ये जो एंगल बना हुआ है, इसमें जो शेप बना हुआ है ना, इसमें आपका राइट एंगल कहाँ है, अक्यूट एंगल कहाँ है, ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ है। ठीक है, सही, आपको तीनों एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बार बार आपको क्लास जब होती है, थोड़ा सा आपको प्रीकैप देती हूँ प्रीवियस क्लास का, हमेशा आपको देती हूँ। ठीक है, चले मैं आपके साथ अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। ठीक है, ओके, मैं ड्रॉ कर रही हूँ पिक्चर, क्या नाम है, फिगर शेप। सही, अच्छा, तो बेटा ये हमारा बन गया, लुक एट द एंगल इन द शेप, विच एंगल्स आर राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये आपने बना लिया, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट एंगल, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट एंगल। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल हमारा नहीं है, हमारा ये क्या है, ये हमारा है जी, जी अब हमारा ये मैं बताती हूँ आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या है, हमारे पास अक्यूट एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो है, क्या नाम है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, और यहाँ पे हमारा कोई छोटा सा एंगल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो एंगल्स यहाँ इस शेप में नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक राइट एंगल है ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है, ये हमारा, ये हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल, हमारा अक्यूट एंगल इसमें नहीं है। ठीक है, सही है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि पता है आपको, सही, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, सही, आपने ये वाला पेज और वो जो पेज नंबर 242 एंड 243 है, ये दोनों आपका जो है कॉपी में करना है आपने, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपके साथ आपका होमवर्क शेयर कर रही हूँ, प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 243 डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन 2
Do complete book page number 242, question 4, and page number 243, question 2 in your notebook. Okay? Clear है आपको? बेटा ये सारा काम आपकी कॉपी में होना चाहिए. समझ आ रही है आप लोगों को? जब आप कॉपी चेकिंग करवाने के लिए आएंगे तो ये सारा काम आपका कंप्लीट होना चाहिए. अदरवाइज मैं आपकी कॉपी में, आपको पता है ना, रिमार्क्स लिख दूंगी इनकम्प्लीट वर्क का. और जिस डे को आपको बुलाया जाए ना, प्लीज कोशिश करके उसी दिन आया करें, नहीं तो आप लोगों को लेट वर्क का रिमार्क दे दूंगी मैं. ठीक है, सही और लेट सबमिशन का रिमार्क दे दूंगी. क्लियर? एंड ऑल्सो डू प्रैक्टिस. Okay, homework. Do complete book page number 242, question 4, and page number 243, question 2 in your notebook, and also do practice. Same page ki practice karenge, theek hai? I hope aapko aaj ki meri class samajh aa gayi hogi, theek hai? Phir bhi koi problem hai, you can call me. Main aapko dobara se explain kar sakti hu. Apna bahut sara khayal rakhiyega aur apni teacher ko dua mein yaad rakhiyega. Allah Hafiz.